Khandelwal, and today we are going to discuss about the college GIM, which is Goa Institute of Management. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, कैंपस कैसा है एंड ये लो फी स्ट्रक्चर एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बिगनिंग विद द कैंपस, दिस कैंपस इज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. एड्रेस मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, इफ अगर आपको जाना हो या आपको देखना हो तो यू कैन लाइक सी दिस एड्रेस. पहले ये कैंपस जो था वो रिमांडर के अंदर था, बट अब सेंकुलम के अंदर है, तो लाइक लोकेशन चेंज हो गई है. लाइक उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कैंपस किसने फाउंड किसने किया, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है. एंड दिस कैंपस इज 50 एकर कैंपस, जो कि काफ़ी बड़ा कैंपस है. क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स रूम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, मेस, जिम, हॉस्टल, यह सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल है. यह रैंकिंग जो हॉस्टल को दी गई है वो 6.5. यहाँ पे काफ़ी तरीके के जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स एंड ऑल यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगी. एंड देन हॉस्टल की रैंकिंग यहाँ पे थोड़ी कम है, लाइक इट्स ओनली 6.5, तो हॉस्टल में थोड़ी रैंकिंग इसकी कम है. एंड देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चार कोर्सेज हैं जो ऑफर करता है, जैसे PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट, PGDM, PGDM बिग डेटा एनालिटिक्स एंड PGDM बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ये चार कोर्सेज है जो GIM ऑफर करता है. एंड देन वी हैव क्लब्स. क्लब्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लब्स में हमारे कुछ तरीके के क्लब्स हैं जो कि लाइक यू नो क्विज, डिबेट्स, ये सब चीज़ें जो है इनका, इन सब में इंटरेस्ट है. लाइक इन सबसे रिलेटेड क्लब्स हैं, तो लाइक ब्रेन विस्टा, परिज्ञान, संख्या, हृदय, प्रयास, हेल्थ क्लब, लाइक 13 द इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, इंटरेक्शन क्लब जो कि है, मेका द मार्केटिंग क्लब, एंड यू नो लाइक लास्ट वन द रेजमेटाज द कल्चरल क्लब एंड द सिस्टमिक कंसल्टिंग क्लब. तो यहाँ पे क्लब बहुत ज़्यादा है, तो क्लब ज़्यादा होने का मतलब यही होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में जितने ज़्यादा क्लब्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा लाइक अच्छा कॉलेज, लाइक क्लब है. यू कह सकते हो लाइक क्लब एंड कॉलेज डायरेक्टली इम्प्लाई करता है कि जितना अच्छा क्लब, मतलब जितने ज़्यादा क्लब उतना अच्छा कॉलेज. तो इससे पता चलता है लाइक कॉलेज इज लाइक रियली गुड. देन वी हैव कट ऑफ. कट ऑफ में अगर मैं बात करूँ तो कैट की कट ऑफ यहाँ पे 87% जाती है. जी मैट में 600 एंड जैट में 81% एंड सी मैट में अगेन 97.5%. तो ये कुछ कट ऑफ्स एग्जाम की. वही आपको मैंने कट ऑफ के थ्रू बता दिया कौन कौन से एग्जाम मोड्स हैं. तो इट्स लाइक कैट, सी मैट, जैट एंड देन जी मैट. देन रैंकिंग्स, यहाँ पे अलग अलग लोगों, लाइक अलग अलग इंस्टीट्यूट वगैरह की, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की रैंकिंग दी गई है. रैंकिंग दी है उन लोगों ने. NIRF के अकॉर्डिंग 48 रैंक है इसकी, और बाकी सब आप इसमें देख सकते हो. इकोनॉमिक टाइम्स की लाइक 47th, तो ये सब रैंक्स आप इसमें देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग. एंड देन फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर PGDM टोटल लाइक ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो फॉर PGDM कोर्सेज लाइक 15,86,000, और ये सब मिला के लाइक इट्स 20 लाख अराउंड, ठीक है. और PGDM के सिमिलर वही PGDM बिग डेटा एनालिसिस एंड यू नो PGDM BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इन दो तीनों की फीस एक जैसी है. हाँ, बट PGDM हेल्थ केयर की फीस थोड़ी कम है, विच इज लाइक 14,23,785, तो उसकी फीस थोड़ी कम. देन वी हैव सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर समर इंटर्नशिप्स, की समर इंटर्नशिप्स में किस तरीके से लाइक डिस्ट्रीब्यूशन गई है. तो यू कैन सी BFSI का 21% गया, विच इज हाई, एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक कंप्राइजेस 14%. तो मेन दो सेक्टर यही है, कंसल्टिंग में 12%. तो लाइक ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादातर समर इंटर्नशिप में किस किस रिलेटेड फील्ड में लगती है. तो यू कैन क्लियरली सी हियर लाइक ई कॉमर्स 3%, IT सेक्टर में 12%, मार्केटिंग रिसर्च एंड डिजिटल मार्केटिंग में इट्स लाइक 3%. ठीक है, ये कुछ इसकी कैटेगराइजेशन है. एंड देन या फॉर प्लेसमेंट सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सी BFSI में 29% है जो प्लेसमेंट लग जाती है. एंड देन 23% इज लाइक ये IT ITS, एंड देन 16% FMCG, कंसल्टिंग में 9%, अदर्स में लाइक 7%, मार्केट रिसर्च डिजिटल मार्केटिंग में लाइक इट्स 4%. तो ये कुछ इसका सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो गया है प्लेसमेंट का, विच आई हैव मेंशन हियर. यू कैन क्लियरली सी कि आप किस फील्ड में लाइक इंटरेस्टेड हो. तो BFSI में लाइक बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज में यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ लाइक प्लेसमेंट जाती है, विच इज 29%. एंड देन वी हैव ITIES, लाइक ITE में काफी ज्यादा जाती है. देन PGDM बैच की अगर मैं बात करूँ कि लाइक 2018 से 2020 बैच का जो प्लेसमेंट गया है वो कितना गया है, तो ऑफर्स जो 10 लाख पर एनम से ऊपर जाते हैं वो लाइक 62% लोगों की प्लेसमेंट जो ऑफर्स होते हैं, लाइक उनकी जो सैलरी होती है वो लाइक 10 लाख से ऊपर जाती है. हाईएस्ट सैलरी जो यहाँ पे गई है वो जिस 25.6 लाख पर एनम, एवरेज सैलरी अराउंड 11.72 लाख पर एनम, देन मीडियम सैलरी वी हैव 11.4 लाख पर एनम. PPO विच इज प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, ये लोग 43 हैं यहाँ पे.
अगर आप टॉप 20 स्टूडेंट्स के अंदर आते हो तो आपका जो प्लेसमेंट लगता है वो है 20.27 लाख पर एनम का लास्ट ईयर हाईएस्ट गया फॉर टॉप 20 स्टूडेंट्स एंड फॉर टॉप 50 स्टूडेंट्स वी हैव 16.62 लाख पर एनम एंड या अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आते हो इट्स लाइक 14.54 लाख तो इट्स अ बिट डिफरेंस ज़्यादा इतना फर्क नहीं है लाइक फ्रॉम 50 टॉप 100 में लाइक 2 लाख का ही फर्क है तो यू कैन सी द प्लेसमेंट लाइक प्लेसमेंट कैसी है फॉर पीजीडीएम बैच ऑल्सो फॉर पीजीडीएम हेल्थ केयर प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे 25 लाख पर एनम गई है क्योंकि इसकी फीस थोड़ी सी कम भी थी तो उस हिसाब से इसकी लाइक यू नो पैकेज भी थोड़ा उस हिसाब से कम है तो इट्स हाईएस्ट सैलरी 25 लाख पर एनम एवरेज सैलरी 10.1 लाख पर एनम टॉप 10% के अंडर अगर आप आते हो तो आपका एवरेज जो मतलब सैलरी का जो जाता है लाइक 16.2 लाख पर एनम फॉर टॉप 20% इट्स 14.4 लाख पर एनम एंड देन अगेन फॉर 50% इट्स 12 लाख पर एनम रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिक्रूटर्स लाइक you know VIP, HUL, Asian Paints, Wipro, Infosys, ITC, Axis Bank, Nestle, Deloitte, Oyo काफ़ी सारे रिक्रूटर्स हैं इसके यहाँ पे जो आते हैं तो ये कुछ रिक्रूटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं एंड देन वी हैव कुछ नए रिक्रूटर्स जो इसी साल ऐड हुए हैं वो है लाइक एसर प्रोडक्ट HP, टाटा यू नो डाइगो एंड लाइक टाइटन नेल्सन एंड देन लाइक ये कुछ ज़्यादा जी मीडिया एंड ऑल ये सारे लेंसकार्ट वगैरह सारे इसके कुछ रिक्रूटर्स हैं सो यू कैन यू नो लाइक थिंक अबाउट इट एंड इफ यू लाइक इट लाइक कॉलेज अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो अगर आपको कोई और वीडियो लाइक कोई कॉलेज के लिए रिव्यू वगैरह के लिए चाहिए लाइक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब Thank you.